बिजनौर के मोहल्ला जाटान के रहने वाले कुलदीप कुमार एडवोकेट ने डीएम बिजनौर को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उनके साथ साथ अन्य कई लोगों के भी हस्ताक्षर हैं। शिकायती पत्र में उन्होंने बताया है कि नगरपालिका परिषद बिजनौर द्वारा संचालित गौशाला, जो कि नुमाइश ग्राउंड बिजनौर में स्थित है, उसकी कई गायें भूखी प्यासी रहने के कारण मर गई हैं, जिनको नगरपालिका ने कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि गांव गंगदासपुर में है, वहीं कूड़े के ढेर में दबा दिया है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि कुत्तों ने गांव का काफ़ी हिस्सा खा भी लिया है, इससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। कुलदीप कुमार ने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर नगरपालिका ईओ का कहना है कि ये सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, हमारे यहाँ किसी भी गाय की मौत नहीं हुई है। उनका कहना है कि कुलदीप कुमार एडवोकेट उन पर दबाव बनाकर अपने कुछ लोगों को नगरपालिका में नौकरी पर रखवाना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। अब नगरपालिका ईओ की बात सही है या फिर कुलदीप कुमार एडवोकेट के आरोप, ये तो अधिकारियों की जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। मगर जब मौके पर जाकर कुलदीप कुमार ने खुद खड़े होकर वीडियो बनाई है, तो मामले में कुछ तो सच्चाई होगी ही। मगर ये जांच करने का विषय है कि ये जो गायें मौके पर पड़ी हुई हैं, ये नुमाइश ग्राउंड वाली गौशाला की हैं या किसी अन्य गौशाला की। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया है नगर पालिका परिषद बिजनौर के अधिशासी अधिकारी और उनकी अधिकारीगण ने। मैं मानता हूँ इतनी गायें एक साथ मरने का क्या कारण रहा होगा, किसी को नहीं बताया गया। चुपके चोरी से कल 12/6 में हमें सूचना मिली 35 से 40 गायें एक्सपायर हुई और जिनको बिना दाह संस्कार किए, बिना कपड़ा डाले, बिना नमक डाले, उन्हें कूड़े के ढेर के नीचे इस तरह दबा दिया गया। ये देखिए 15 से 20 गायें एक ही जगह दफन कर दी गई हैं। सारे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है बिजनौर नगर पालिका ने। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आ जाओ, अब वो गाय यहाँ बुलाओ फिर बोलता रहो। एक गाय इधर जो कूड़े के ढेर में दफन कर दी गई है, तो टोटल कूड़े का ढेर है, कुछ मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है, केवल कूड़ा है जो नगर पालिका था, इसके बीच में गाय डाल देती है मशीन में डाल दी। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा किस तरह इस नगर पालिका में हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। हिंदू के नाम पर ये लोग कलंक हैं। इन लोगों ने देखिए टोटल कूड़ा है और सांस भी नहीं ले जाएगा। बहुत ये देखिए खुले में ऐसे ही गाय पड़ी है इस गड्ढे में। ये देखिए कीड़े पड़ गए और गाय का कंकाल कंकाल बचा है, परसों से गाय की खाल भी सुकड़ गई है। ये रहे गौ माता का मुँह किस तरह सुकड़ गया, क्या हालत कर दी है।